हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेस्टी एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के साथ सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रसमलाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिससे आपकी रसमलाई बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1 लीटर टोंड मिल्क ले लिया है और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। देखिए, हमारा दूध बॉईल हो गया है। अब हम इसे धीरे धीरे चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध हमारा बॉटम पर चिपक जाएगा। अब हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ठंडा होने। अब हम इसमें 2 चम्मच विनेगर या लेमन जूस, जो भी हो आपके पास हो, वो हम इसमें डाल देंगे और धीरे धीरे मिक्स करते रहेंगे। हमारा दूध छेने से बिल्कुल अलग हो जाएगा। देखिए, हमारा छेना दूध से अलग हो चुका है। अब हम इसे किसी भी एक मसलिन के कपड़े में या हैंकी, जो भी आपके पास कॉटन का अवेलेबल हो, उसमें इसे डाल के अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने के बाद इसे हम अच्छे से वाटर में वॉश कर देंगे, जिससे कि विनेगर या लेमन जो भी आपने डाला है उसका फ्लेवर इस छेने से बिल्कुल अलग हो जाए। और इसे अच्छे से निचोड़ के 1 घंटे के लिए कहीं भी टांग दें। चलिए अब हम रबड़ी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1/2 लीटर फुल क्रीम मिल्क ले लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हम इस दूध को धीरे धीरे चलाते रहेंगे, जिससे कि यह बॉटम पे चिपक ना जाए। देखिए, हमारा दूध अब बॉईल हो गया है। अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और 10 से 15 मिनट इसे हल्के फ्लेम पर बॉईल होने देंगे। अब यह दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा सैफ्रन डाल देंगे और इसे भी दूध में मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट जैसे कैश्यू, आलमंड्स एंड पिस्ता डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए और पका लेंगे। देखिए, हमारा दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन येलो कलर डाल देंगे, जिससे कि इस रबड़ी का कलर बहुत ही अच्छा आएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी छोटी इलायची डाल देंगे, जिससे कि इसका फ्लेवर और भी अच्छा आएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब यह थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है, नहीं तो ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है, तो हमें लिक्विडी फॉर्म में ही रखना है। अब हम इसमें 4 से 5 चम्मच शुगर डाल देंगे और इसे भी मिक्स करते हुए थोड़ी देर के लिए और अच्छे से बॉयल कर लेंगे। अब हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। छेने को रखे हुए 1 घंटा हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे धीरे धीरे क्रम्बल कर लेंगे। जब यह अच्छे से क्रम्बल हो जाए, तब हम इसे अपने पाम की सहायता से धीरे धीरे मस लेंगे। यह प्रोसेस सॉफ्ट और स्पॉन्जी रसगुल्ले बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप इस प्रोसेस को करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करें, नहीं तो आपकी जो रसमलाई है वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनेगी। तो ऐसे हम ऐसे ही 5 से 7 मिनट अच्छे से मसल लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद भी हम इसे 3 मिनट तक ऐसे ही फेरते रहेंगे, जिससे कि हमें एक सॉफ्ट डो मिल जाएगी। अब यह लगभग होने ही वाला है, थोड़ी देर और हम इसे मसल लेंगे। अब हमारा बिल्कुल सॉफ्ट डो रेडी हो चुका। अब हम इस छेने के छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप जब बॉल्स बनाएं तो अगर किनारे किनारे क्रैक हो जाए तो आपको फिर से इस छेने को अच्छे से गुथना होगा। देखिए, हमारे बॉल्स में कहीं से भी कोई क्रैक नहीं आ रहा है। हमने अपने आटे को बहुत ही अच्छे से गूथ लिया है। ऐसे ही हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, आप बॉल्स कभी भी बड़े मत बनाइएगा, नहीं तो बाद में उस चाशनी में जाने के बाद और अपने डबल साइज के हो जाते हैं, तो अच्छे से वो पक नहीं पाएंगे। तो इसी तरह एक छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए। हमने 1 लीटर दूध में लगभग 13 से 14 बॉल्स बन गए हैं। देखिए, हमने अपने सारे बॉल्स रेडी कर लिया है। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन में 1 कप शुगर ले लिया है और जिस कप से हमने शुगर लिया है उसी कप से हम 5 कप पानी डाल देंगे। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप किसी भी कप से, जिस कप से आप चीनी ले उसी कप से आप पानी भी ले लें। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लीड लगाकर एक बॉईल आने तक इसे बॉईल कर लेंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए, तब हम इसमें एक एक करके अपने सारे बॉल्स को डाल देंगे।
देखिए हमने अपने सारे बॉल्स को डाल दिया है, अब हम इसके ऊपर लीड लगा कर इसे पकने देंगे। हमें इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर लीड लगाकर अच्छे से पकाना है। देखिए हमारे रसगुल्ले डबल साइज के हो गए हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा रोज वाटर डाल देंगे और लीड लगाकर थोड़ी देर और पका लेंगे। अब हमारे रसगुल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसे हम गैस ऑफ कर देंगे और दो छन्नियों के बीच में इसे डालकर इसके अंदर के शुगर सिरप को अच्छी तरह से निकाल लेंगे और एक सर्विंग बाउल में रख लेंगे और इसके ऊपर अपने बनाए हुए रबड़ी को अच्छी तरह से डाल देंगे। हमें रबड़ी को तब पूरा डाल देना है जब तक कि हमारे रसगुल्ले अच्छी तरह से डीप ना हो जाए। अब हम इसे 4 से 5 घंटे के लिए बाहर रख देंगे जिससे कि रसगुल्ले रबड़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले और फिर इसे हम फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। मलाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसे हम किसी भी सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे और थोड़े से पिस्ता के साथ इसकी गार्निश कर देंगे। फ्रेंड्स, इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपको हमारी रसमलाई की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।